अरे थक्का मत, बस बस लाल क्या कर रहा है, बस बस शिल्पा जी उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही उधर ही बस बस उधर ही उधर ही करना कैमरा यार। अरे यार मैं मत लो ना सुन, मैं मत भाई साहब प्लीज प्लीज क्या किया चाहे आप लोगों का मतलब ले रही हूँ मैं। ऐसा लगता है मैं खा खा के आई हूँ मैं भी तो सामने सामने देखे सामने पर सेंटर में ले हाँ थोड़ा आगे आ जाए। बस 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 रुको यार अभी। अरे भाई तो कैमरा ले ना यार, चालू कैमरे कैसे लगाऊंगी खान का भी सीजन देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सीजन ओवरऑल एंड शी वाज गुड ऑब्वियसली डेफिनेटली शी वेरी स्ट्रांग गर्ल तो आई होप मैं भी मेंटली स्ट्रांग थी अभी फिजिकली भी स्ट्रांग हूँ वैसे दिखाऊँ। तो शिल्पा जी कितने झंडे गाड़ कर आने वाली हो? देखो मैंने सोचा तो है कि मैं एक्चुअली झंडे गाड़ के आऊँ क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मेरा शो है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ऐसे टाइम। हाँ हालांकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन वहाँ सिचुएशन कैसी होगी पता नहीं, कितने खतरे होंगे रोहित सर के खतरों के लिए कितने तैयार हैं। रियलिटी शो है, आई होप सब कुछ रियल रहे और मुझे लगता है कि वो बहुत रियल जज करते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी वो इंस्पायर करते हैं कि आप करो, यू नो पुश करते हैं कि आप कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते, तो वो एक सीखने जैसी भी बात है तो लेट्स सी। आई थिंक शिल्पा जी आपको सबसे चैलेंजिंग टास्क कौन सा लगता है अभी तक लगता है जो आपने? हाँ खतरों का चैलेंजिंग मुझे कुछ नहीं लगता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कल आप बोलोगे आप तो वापस आ गए चैलेंज उस सिचुएशन में पता नहीं कुछ क्या। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर आप हाइपर हो जाते हो तो जो चीज़ कर सकते हो वो भी नहीं कर पाते, ऐसा होता है। तो आई थिंक मेंटली फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी मेंटल भी पीस ज़रूरी है। सो आई होप मैं ऐसे नहीं कुछ बोलती, बट हाँ वो जो कीड़े मकोड़े और वो सब होता है वो पहले से पिछले सीजन में तो कीड़े मकोड़े मुंह से उठा के दूसरे बाकेट में डालते थे। यार खाना खा रही हूँ। अच्छा किसी से टिप्स लिया आपने कोई फ्रेंड? नॉनवेज बहुत पसंद है सही पकड़ा है, तो नॉनवेज में मैं कुछ भी खा सकती हूँ कुछ भी, मगर कच्चा नहीं खा सकती, पका हुआ पका के दे दो खा लूँ। गड़बड़ होते जैसे अभी बिग बॉस मध्ये गेली होती तर प्लैंक जितना प्लैंक कोरे कागज पे लिखना आसान होता है वैसे मैं एकदम पूरा कागज बन के जा रही हूँ। लेकिन आप तो विनर थे। ये तो इसीलिए तो यहाँ पर मैंने पहले मैं खतरों के खिलाड़ी देखती थी लेकिन जब से मैंने साइन किया है तब से गलती से भी खतरों के खिलाड़ी का कुछ भी आता है मैं बंद कर देती हूँ। शिल्पा जी लास्ट लीजिए, बहू का बेंचमार्क कब हटने वाला है, क्या अभी ये खतरों के खिलाड़ी के पास हट जाएगा? कहाँ, मैं तो जगत भाभी जी बन ही चुकी हूँ, हटेगा आपको लगता है? नहीं हट जाएगा। कितना मैंने रियलिटी शो कर लिया, सबको बताया शिल्पा शिंदे कौन है कैसी है क्या है, फिर भी बुलाते हैं भाभी जी घर पर हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो माइट कर लो। अच्छा माइट।
चलो ठीक है, जीतने के बाद क्या आप प्रिपेयर हैं दूसरा रियलिटी शो जीतने के लिए? अरे ऐसे तो बीच में एक कर लिया शो, बट हाँ 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 सही पकड़े, वो शो में से मैं वापस बीच में से निकल गई थी, जैसे सारे शो का मेरा टैग लग चुका है, मैं बीमार थी, लेकिन इस बार बिग बॉस की तरह ही सबको निकाल के लास्ट में आऊंगी। रोहित शेट्टी भी मुझे बहुत बड़ा खतरा लगता है, मुझे उनसे डर लगता है। आई मीन ही इज़ नाइस पर्सन, मतलब जो स्टंट्स जो लेवल का है वो डांटेंगे तो नहीं, ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी अगर वो डांट जाए डांटेंगे तो, बट हाँ उनके डांट में भी एक एक सीख होती है ऐसा मुझे लगता है। तो आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया है उसको किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना इसके ऊपर बस इतना ही बात कर सकते हैं हम सारे। हाँ सीरियसली आपका फियर क्या है, मेन फियर क्या है जिससे आपको बहुत डर लगता है? ये आप लोग सब मेन फियर और क्या 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 लिख देंगे पता नहीं, मैं लिखेंगे खुद। हाँ और जो लोग भाभी जी करके आपको पुकारते हैं और उस भाभी जी को शो में देखेंगे तो बोलेंगे अब खतरा आ गया, खतरा आ गया। थैंक यू थैंक यू बाय बाय बाय। अरे हाय तुम इतने पतले कैसे हो गए? कल मिलते हैं। हो गया भाई पूरा वीडियो बना रहे क्या? अंदर जा देख रहे हो, समीरा को क्या छाप रहे हो साबुन से?